Assalamu alaikum. This is Inspector Imad and welcome to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में इस्लामाबाद पुलिस में जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं उसका पूरा प्रोसीजर आप लोगों को समझाऊंगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना है। आप अपने मोबाइल फोन के किसी भी इंटरनेट ब्राउजर पे जाएं, वहां पे जाकर इस्लामाबाद पुलिस लिखते हैं तो आपके सामने जो फर्स्ट लिंक ओपन होगी इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह की एक अनाउंसमेंट आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट पे टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर जॉब्स इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेशनल पुलिस फाउंडेशन जॉब्स का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आपके सामने इस्लामाबाद पुलिस के दोनों एडवर्टाइजमेंट सामने आ जाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस जॉब अपॉर्चुनिटीज एग्जीक्यूटिव स्टाफ 2024 के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आपके सामने कांस्टेबल और एएसआई की जॉब्स आ रही हैं। उसके बाद मैं इस्लामाबाद पुलिस जॉब अपॉर्चुनिटीज मिनिस्टीरियल स्टाफ के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आपके सामने असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और जितने भी जॉब्स हैं फॉलोअर तक सारे आपके सामने आएंगे। इन तमाम पोस्टों के ऊपर अप्लाई करने का प्रोसीजर सेम है। आप किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो उसका सेम प्रोसीजर है जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूं। आपने सिंपली इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल पे अप्लाई करना है तो आप इस्लामाबाद पुलिस का फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कांस्टेबल का ऑप्शन आएगा। अब कांस्टेबल के सामने अप्लाई नो का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने इस्लामाबाद पुलिस की किसी भी पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो इसका सेम प्रोसीजर है। जब मैं अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें सबसे पहले आपने अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करना है और उसके बाद आपने अपना पहला नाम और लास्ट नेम आखिरी नाम और उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। देन आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद आपने एक पासवर्ड सेट करना है और फिर पासवर्ड को कंफर्म करना है। उसके बाद आई एग्री टू दी टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स के ऊपर आपने चेक लगाना है और फिर आप क्रिएट योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसके टॉप पे थ्री लाइन्स है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने डैशबोर्ड, क्रिएट एन अपडेट प्रोफाइल, व्यू प्रोफाइल, ओपन एप्लीकेशंस और सबमिटेड एप्लीकेशंस का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट एन अपडेट प्रोफाइल करना है, उसके बाद जाके आपने सबमिट एप्लीकेशन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट एन अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। अब प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के लिए आपने ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने आपका गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप अपना प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करें। प्रोफाइल पिक्चर के बाद सेकेंड स्टेप पे आप अपना सीएनआईसी कार्ड का जो फ्रंट फोटो है उसको अपलोड करना है। उसके लिए भी आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी गैलरी का ऑप्शन आएगा, वहां से आप अपना सीएनआईसी कार्ड का फोटो अपलोड करेंगे। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि प्रोफाइल पिक्चर और सीएनआईसी कार्ड का फोटो, ये दोनों आपने इस तरह अपलोड करना है। इसके बाद आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सीएनआईसी नंबर ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। आप अपना फादर नेम, अपनी ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ को इंटर करेंगे। देन आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर आपकी परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पोस्टल एड्रेस वाले बॉक्स के ऊपर आप चेक लगाएंगे। अगर ये सेम नहीं है फिर आपने परमानेंट एड्रेस अलग लिखना है और पोस्टल एड्रेस को आपने अलग से लिखना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके नीचे अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर है जिसमें आप अपना भाई या आप अपना फादर या आप अपना किसी रिलेटिव का नंबर दे सकते हैं।
देन आपने अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप मेल लिखेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो आप फीमेल कर देंगे। उसके बाद आपने प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल को सिलेक्ट करना है, और देन ब्लड ग्रुप लिखना है। अगर आपका ब्लड ग्रुप आपको नहीं पता है तो कोई भी आप सिलेक्ट कर लें, इसका इतना बड़ा इश्यू नहीं है। देन आपने अपनी रिलीजन को सिलेक्ट करना है, और फिर आपने अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है कि अगर आप शादीशुदा हैं या आप गैर शादीशुदा हैं, वो आपने जहाँ पे मेंशन करना है। देन आपने अपना करंट ऑक्यूपेशन को ऐड करना है। करंट ऑक्यूपेशन में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट लिख दें, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो आप जॉब लिख दें, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो इसको आप नील कर दें। अब आपके सामने एजुकेशन डिटेल का फॉर्म आएगा। इसमें सबसे पहले आपने डिग्री ईयर सिलेक्ट करना है कि आपके पास कितनी ईयर्स की डिग्री है। आपके पास 16 ईयर्स की एजुकेशन है, या 14 ईयर्स की है, या 18 ईयर्स की है, जो भी है आप जहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। देन आप अपना डिग्री का नाम बताएंगे, आपकी डिग्री बीए है, एफए, बीएस ऑनर्स है, जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे कि आपकी डिग्री किस सब्जेक्ट में है। देन आप सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे कि आपकी डिग्री में जो सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो करेंगे। उसके बाद आप अपनी डिग्री का पासिंग ईयर करेंगे, किस साल आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। देन आप मार्क्स टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके डिग्री में परसेंटेज के हिसाब से आपकी डिग्री आपको मिली है या जीपीए वाला सिस्टम है, इन दोनों में आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे, अगर ऑब्टेन मार्क्स आपके पास जीपीए में है तो आप जीपीए में लिखते हैं, अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज में लिख दें, अगर नंबर में है तो फिर आप नंबर में लिखते हैं। देन आप टोटल मार्क्स लिख दें, अगर मैंने जहां पे जीपीए सिलेक्ट किया तो मेरे पास ऑब्टेन जीपीए आएगा और टोटल जीपीए आएगा। देन फाइनल आप अपनी यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम फिल्टर कर दें। और इसके बाद आपने एक्सपीरियंस डिटेल लिखना है, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तब आपने ये लिखना है, अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो इसको आप मुकम्मल खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं फिर डिपार्टमेंट में आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वो लिखेंगे, और फिर उसके बाद आप किस इदारे में लिखते हैं तो उसका नाम लिखेंगे, क्या जॉब टाइटल है वो लिखेंगे, जॉब कब स्टार्ट की है वो लिखेंगे, कब तक जॉब आपने खत्म की है वो लिखेंगे। अगर आप अभी भी जॉब कर रहे हैं तो आप करंटली वर्किंग के ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने ये सारा फॉर्म फिल किया हुआ है, ये देख लें कैसे फिल करते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसको फिल करके आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, जब आपका प्रोफाइल अपडेट होगा, अगेन आपने थ्री लाइंस पे क्लिक करना है, ओपन एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके सामने इस्लामाबाद पुलिस के दोनों एडवर्टाइजमेंट शो होंगे। सबसे फर्स्ट वाला जो एडवर्टाइजमेंट है वो कांस्टेबल और एएसआई का है, और सेकंड वाला जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें असिस्टेंट एलडीसी, यूडीसी और दीगर पोस्टों का है। आपने फर्स्ट वाले एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कांस्टेबल और एएसआई का, और उसके सामने अप्लाई नो का ऑप्शन आएगा। अब आपने क्या करना है, इसमें अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करना है। जब आप अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जहाँ पे अपनी हाइट को सिलेक्ट करेंगे, 5 फीट 7 इंच इसकी मैक्सिमम हाइट है, और आपने जहाँ पे उसके बाद चेस्ट सिलेक्ट करना है 33 34, इस तरह आपने चेस्ट लिखना है। उसके बाद टेस्ट सिटी आपने सिलेक्ट करना है, मैं कराची करता हूँ। उसके बाद अगेन मैं कराची करता हूँ। दो ऑप्शंस आपके पास मौजूद होंगे, जहाँ पे आपका टेस्ट होगा वो आप जहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अगेन अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये तरीका है इस्लामाबाद पुलिस में जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का। अब इसमें फी सबमिट कैसे करते हैं और एफिडेविट कैसे बनाते हैं, इस पर मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बना के पोस्ट करूँगा। विश यू गुड लक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।